हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करेंगे, आगे का चालू करेंगे। और आगे का चैप्टर का नाम है सांख्यिकी, है ना। अब सांख्यिकी के अलग अलग चैप्टर पढ़ेंगे। इसको चार भाग में बांटा गया। एक आपका संचयी बारहमासी वक्र अथवा तोरण है, फिर इसके बाद आपका आएगा माध्य, आएगा माध्यिका, आएगा बहुलक आएगा। ठीक है, चार भाग में तोड़ा गया। और सांख्यिकी से अगर देखा जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, लेकिन अभी तक जैसा आप एग्जाम में भी देखोगे, गेस पेपर में देखोगे या पिछले साल के क्वेश्चन पेपर भी देखोगे, उसमें आपका दो से ज्यादा बहुत कम ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, लगभग दो क्वेश्चन, वो भी आपका ज्यादातर जो होता है या तो तोरण से आएगा या तो माध्यिका बहुलक, यही सबसे ज्यादातर माध्यिका से आने का चांस ज्यादा होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोग इसको छोड़ देंगे, उसको छोड़ देंगे। ठीक है, हमें तो पूरा लेके चलना है ना। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले जो सांख्यिकी का पाठ है वो है आपका संचयी बारंबारता। क्या है? संचयी बारंबारता और इसका तोरण। ठीक है, जो संचयी बारंबारता बनेगा उसको अगर ग्राफ से दिखा देंगे, आलेख से दिखा देंगे, तो वही आपका तोरण हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका मैंने आर एस अग्रवाल का लिया है बुक। ठीक है, आर एस अग्रवाल के सारे क्वेश्चन को मैं सोल्व करूंगा। ठीक है ना, और थ्योरी अपने हिसाब से जितना ज्यादा से ज्यादा बन पाए, जितना अच्छे से अच्छे बन पाए उतना मैं दूंगा। ठीक है, और आपको पता है यूट्यूब चैनल में कैसे आपको सब्सक्राइब करना है और वेबसाइट में कैसे आपको जाना है। बाकी जानकारी आप वहां ले सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया, आप इस पे कांटेक्ट करके सारा प्रॉब्लम सोल्व करवा सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो छोटा छोटा बात आप लोग को पहले नौवां क्लास में बताया गया था, या आपको शायद याद भी होगा। तो वहां पर हम लोगों ने संग्रहित आंकड़ों के बारे में बताया था। संग्रहित आंकड़ा कहने का मतलब क्या, क्लास जैसे 32 से 34, 34, 36 इस तरीके से बना हो तो उसको क्या बोलते हैं, संग्रहित आंकड़ा, है ना। मतलब ग्रुप क्लास, ग्रुप में ग्रुप डेटा होगा, है ना। तो सांख्यिकी में आप पढ़ते क्या हो, यही तो पढ़ते हो कि हाँ डेटा दिया गया, नंबर दिया गया है, उसको बताना ये कितना बार आया, कहाँ आया, उसको अरेंज करके लिखना, ये सब के बारे में सारा हमें पढ़ना होता है। और पिछले क्लास में आप डंडा लेख भी पढ़े होंगे, तो उसका ग्राफ बनाते, या क्रिकेट मैच देखते हो, क्रिकेट मैच में आपका क्या देता, क्रिकेट मैच में देता कि हाँ पहले ओवर में इतना रन बना, अगर 6 रन बना तो एक बिल्डिंग आपको दिखा दिया जाएगा। अब उसके बाद क्या है, दूसरे ओवर में 15 रन बन गया तो और थोड़ा बड़ा बिल्डिंग बन जाएगा। इस तरीके से आपका ग्राफ बनाया जाता है। ठीक है, तो ग्राफ बनाना भी आप लोग भली भांति जानते ही हो। तो सबसे पहले संचयी बारंबारता, कहाँ चलते हैं, पहले संचयी बारंबारता, जिसको इंग्लिश में नाम दिया गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आपको पता है बारंबारता क्या होता है, बारंबारता कहने का मतलब होता है कि एक चीज कितना बार आया। अगर हमारे पास यही दिया हुआ 1 2 3 1 5 6 1, आपसे ये पूछा गया कि यहाँ पे जो डेटा दिया गया है उसमें आपका एक का बारंबारता कितना है, तो एक यहाँ पे 2 3 3 बार आया, तो आपका बारंबारता क्या हो गया, 3 बार हो गया। लेकिन अब यहाँ पे संचयी बारंबारता क्या होता है, वो तो थोड़ा अलग हो जाएगा ना। ठीक है, अब संचयी बारंबारता के बारे में जानेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले देखा जाए कि नीचे क्या विद्यार्थियों के भारों के अतिव्यापी अपवर्जी बारंबारता दी गई है। ठीक है, क्या दी गई है, अपवर्जी बारंबारता। अपवर्जी कहने का मतलब क्या, मतलब ये 32 से 34 और अगला 35 नहीं 34 से ही चालू होगा। ठीक है, अब यहां से देखिए बारंबारता जो दिया गया 32 से 34, मतलब 32 से 34 लेने का मतलब आप पिछले क्लास में ये भी देखो कि 34 को हम लोग काउंट नहीं करते, है ना। 34 को काउंट नहीं करते, 32 और 33 को इसमें काउंट करेंगे, 34 को नहीं लेते। उसी तरीके से यहाँ पे 34 35 को लेंगे लेकिन 36 को नहीं लेंगे। तो इसका मतलब एक आदमी का 32 और 33 में से होगा। ठीक, और 34 से लेकर 35 तक में 36 लिखा है, मतलब 34 से लेकर 35 तक का एज कितना का होगा, 6 का होगा। फिर एज बोल रहे भार का बात है, भार। ठीक है, फिर 36 से लेकर 37, 36 और 37 8 लोगों का होगा। ठीक, 38 39 5 लोगों का, इस तरीके से आपका दिया हुआ है ना। तो अब यहां से आपसे अगर पूछ दिया गया कि बताइए 34 से कम या 36 किलोग्राम से कम कितने आदमी का भार है। ठीक है, 34 से कम या 36 से कम या 38 से कम या 40 से कम या 42 से कम कितने लोगों का भार है। तो आप यहाँ पे तो ये देखोगे कि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 34 से कम। तो 34 से कम 34 तो होगा नहीं इसमें, 32, इसका मतलब क्या हो गया, 32 और 33 दो एज वाला ही होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें कितना भार वाला होगा, 33 और 34 और सॉरी 34 और 35 वाला, आपका 36 नहीं आएगा। ठीक है,
तो आपसे पूछा गया 34 से कम कितना, तो एक आदमी का बोल देंगे, एक आदमी का। आपसे पूछा गया 36 से कम, अरे इसमें 36 नहीं आ रहा, 36 से कम, तो आपका ये दिखाई दे रहा 6 तो होगा ही होगा। अब ये भी तो 36 से कम है ना, एक भी क्या, ये भी तो 36 से कम है, तो टोटल आपका कितना हो गया, 7 हो गया। आपसे पूछा गया 38 से कम कितना है, तो 38 से कम आपसे पूछा जाएगा तो आपको ये तो पता लग रहा है कि 8 होगा, 38 से कम वाला इसमें, ठीक है। 8 आदमी का भार क्या है, 3637 है, मतलब 38 से कम है। लेकिन ये सब भी दोनों क्या है, ये सब दोनों भी तो आपका क्या है, आपका 38 से कम है, तो 8 और 7 यहाँ 15 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका जुड़ते जाएगा, है ना। तो ये जो जुड़ने का प्रक्रिया होता है, हम क्या हर बार जुड़ते रहेंगे, क्यों ना हम ऐसा भ्रमवर्तक बना ले कि हम डायरेक्ट बोल दे कि हाँ 36 से कम है इतना है। मतलब एक अलग से एक कॉलम हम जोड़ देंगे और उसमें लिख देंगे संचयी भ्रमवर्ता, ठीक है। और ये जो आपका बार बार आ रहा जोड़ के, यही आपका क्या, संचयी भ्रमवर्ता है, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए, आपसे पूछा गया 34 से कम तो आप बता दो 1, फिर पूछा गया 36 से कम तो आप बता दोगे 1 + 6 कितना, 7। फिर आपसे पूछा जाएगा 38 से कम तो क्या बताओगे, 8 + 6 + 1 कितना हो गया, 15। फिर आपका 40 से कम पूछा क्या बता दोगे, 1 + 6 + 8 + 5 फिर क्या पूछा जाएगा आपसे, 42 से कम क्या बता दोगे, सबको जोड़ दोगे, है ना। क्योंकि 42 से कम बोलने का मतलब होता है कि आपका ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, सारा आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप वर्ग अंतराल में देखो, जो उच्च सीमा होता है उससे आपका चलता कौन सा, ये आपका कम वाला, ठीक है। तो क्या संचयी भ्रमवर्ता समझ में आ गया होगा कि संचयी भ्रमवर्ता क्या होता है। यहाँ संचयी भ्रमवर्ता क्या हो गया, संचयी भ्रमवर्ता हो गया कि पहले के वर्गों के भ्रमवर्ताओं का योगफल, क्या हो गया, पहले के वर्गों के भ्रमवर्ताओं का योगफल, ये आपका क्या हो गया, संचयी भ्रमवर्ता हो गया। देखिए हर बार जुड़ रहा है ना, 36 वाला लिए हैं तो पिछला वाला जुड़ गया, फिर पिछला वाला जुड़ गया, ठीक है। ये जुड़ते गया तो आपका क्या, ये संचयी भ्रमवर्ता आपका बनकर तैयार हो गया। तो संचयी भ्रमवर्ता से हमें फायदा क्या होता है, अगर संचयी भ्रमवर्ता हम बना लिए और हमसे अगर पूछ दिया गया बताइए 40 से कम कितने लोग का भार, हम डायरेक्ट देखेंगे कितना, 20, तो आपका आंसर क्या होगा, 20। आपसे पूछा जाएगा कि 42 से कम कितने लोगों का भार है, कितना संचयी भ्रमवर्ता, 22, तो हम बोल देंगे 22, ठीक है। तो संचयी भ्रमवर्ता से कम और से ज्यादा वाला क्या होगा, तुरंत आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका जो बना हुआ ये से कम वाला, ठीक है। तो संचयी भ्रमवर्ता क्या होगा, दो प्रकार का हो जाएगा, एक क्या होगा से कम हो जाएगा, ये क्या से कम है, और ये से अधिक। जैसे मैंने बताया से कम, वैसे आप से अधिक भी बना सकते हो। आपसे पूछा जा सकता है, जैसे आप से कम में क्या लिए, से कम में उच्च सीमा वाली है ना, क्योंकि कम का बात मतलब उच्च सीमा से कम वाला होगा, और इसमें आपका निम्न सीमा से कंपेयर किया जाता है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कितने लोगों का भार जो है, कितने लोगों का भार जो है वो 40 से ज्यादा है। 40 से ज्यादा करने का मतलब क्या हो गया, दो लोगों का। 38 से ज्यादा कितना हो गया, 5 × 2 = 7 लोगों का, क्योंकि ये वाला भी इसमें ऐड हो जाएगा। पूछा जाएगा 36 से ज्यादा कितना है, तो 8 × 5 = 2, इस तरीके से आपका से अधिक भी आएगा। मैं एग्जाम्पल एक बताऊंगा और, ठीक है ना। तो ये आपका संचयी भ्रमवर्ता क्लियर हो गया कि पहले के वर्ग अंतरालों क्या करना, जोड़ना होता है, तब जाके आपका संचयी भ्रमवर्ता बनकर तैयार होता है। दो तरीके का, एक आपका से कम होगा, एक आपका से अधिक होगा। से कम करने का मतलब क्या हुआ, इतना से कम वर्ग अंतराल में क्या उच्च सीमा लेंगे, उससे कम वाला लेंगे, तो आपका ये हो गया। अगर आप वर्ग अंतराल के निम्न सीमा से लोगे तो से अधिक करके क्या फिर से आपको जोड़ना पड़ेगा, तो ये आपका क्या बन गया, से अधिक वाला, ठीक है। तो इन सब बातों में कुछ हमें ध्यान देने वाली बात होती है, ठीक है। ध्यान हम लोग क्या देते हैं वो आगे देखेंगे। तो तोरण, तोरण को ओजीव भी बोलते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको, कोई ओगिव पढ़ता है, कोई ओजीव पढ़ता है, लेकिन एक्चुअल में इसको ओजीव पढ़ा जाता है। कोई ओगिव भी पढ़ देता, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लो जो भी पढ़ना है, एग्जाम में उसे मतलब नहीं है, है ना। तो तोरण का बात करें तो हम संचयी भ्रमवर्ता बना तो लिए, ठीक है, ये बना लिए, तो इसका ग्राफ भी तो बनाया जा सकता है ना। इसका क्या, इस तरीके से हम अगर खींच लेंगे और इसमें क्या करेंगे, यहाँ कुछ ले लेंगे और यहाँ कुछ ले लेंगे, ठीक है।
यहाँ आप क्या कर देंगे, बारंबारता ले लिए और यहाँ पे निम्न सीमा ले लिए, ठीक है, निम्न सीमा या उच्च सीमा ले लिए, तो आपका क्या है ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा। तो आलेख से दिखाना मतलब ये जो आपके पास आया इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस ले लेंगे, तो आलेख से दिखाना मतलब संचाई बारंबारता का वितरण जो है आलेखीय प्रदर्शन करना मतलब ग्राफ बना देना इसका, ये आपका क्या होता है तोरण होता है। अगर संचाई बारंबारता समझ में आ गया उसी को आप ग्राफ से दिखा दो आपका क्या हो गया तोरण हो गया। तो आप ये बताओ संचाई बारंबारता दो प्रकार का होता है, तो ये भी कितना होगा आलेख भी कितना होगा, दो तरीके का होगा, एक क्या होगा से कम तोरण, एक क्या होगा से अधिक तोरण, ठीक है, लेस देन और ग्रेटर देन, दो तरीके का हो जाएगा। एक इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लेस देन ओगिव, इसको बोलेंगे ग्रेटर देन ओगिव। ग्रेटर देन बोलते हैं जनरली, मोर देन बोलते हैं, मोर देन ओगिव, ठीक है। अब कुछ याद रखने की बात है और ध्यान से इसको याद रखिएगा, बनाने में काम देगा, ठीक है। अगर बारंबारता संचयी बारंबारता आपका क्या हो से कम, संचयी बारंबारता आपका क्या हो से कम, ठीक है, तो क्या बनेगा से कम तोरण बनेगा, इसे आलेख में दिखाएंगे तो क्या होगा से कम तोरण बनेगा, बनेगा ना। तो वर्ग अंतराल जो होगा मान लेते हैं 20 से 25, 25 से 30 मान लीजिए ऐसा दिया हुआ, ठीक है। तो इसमें आप वर्ग अंतराल में क्या देखोगे, उच्च सीमा, उच्च सीमा क्या लोगे भुज लोगे, क्या लोगे भुज लोगे। तो से कम जब भी आएगा तो उच्च सीमा क्या लेना भुज ले लेना है, और संगत के संचयी बारंबारता ध्यान देने बात, संगत के संचयी बारंबारता क्या लेना है आपका कुटिल, मतलब अगर यहां से आपका उच्च सीमा, ठीक है, मान लेते ये 25 है और ये 30 है, ठीक है, तो आपको जो भी उच्च सीमा रहेगा वो कहाँ लेना, वो आपको यहाँ पे भुज पे लेना, भुज मतलब क्या होता है एक्स एक्सिस, और कोटिम क्या लेना बारंबारता, मान लेते हैं संचाई बारंबारता इसका 10 है और इसका 20 है, तो आप 10 20 कहाँ लोगे यहाँ पे लोगे वाई एक्सिस पे लोगे, कोटिम मतलब क्या होता है वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये बात ध्यान देने वाली है, और अगर ऐसा आपका आलेख बनता तो उसी को बोलते हैं से कम तोरण। तो से कम तोरण में आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि वर्ग अंतराल का उच्च सीमा को आपको भुज लेना है, ठीक है, और संचाई बारंबारता जो भी होगा उसको आपको कोटि लेना, और ग्राफ जो बनेगा वही आपका से कम तोरण कहलाएगा। लेकिन अगर आपको कैसा हो मोर देन ओगिव बनाना, ठीक है, मोर देन ओजिव अगर बनाना है तो उसमें क्या हो जाएगा, निम्न सीमा को क्या लेना भुज लेना, क्या करना निम्न सीमा, अगर हम इसका बनाए तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर निम्न सीमा लेना है तो क्या लेंगे 20 लेंगे और 25 लेंगे, यहाँ पर उच्च सीमा लिए थे क्योंकि तो क्या था से कम, ये आपका क्या है से अधिक है ना, तो इसका मतलब क्या ये 20 हो गया ये 25 हो गया, और बारंबारता को आपको हमेशा और हमेशा वाई एक्सिस पे ही लेना है मतलब कोटि पे लेना। मान लीजिए इसका 5 और 10 आ गया तो 5 ले लेंगे 10 ले लेंगे इधर, ठीक है, तो ये बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। निम्न सीमा को भुज लेना है और संगत के संचयी बारंबारता क्या लेना है कोटि लेना है, तो क्या बनेगा ये से अधिक बन जाएगा। ये दोनों बात को आपको याद रखना है, अगर तोरण का बनाने एग्जाम में आएगा तो ग्राफ ही बनाने के लिए मेनली आएगा, तो आप ऐसे बना दोगे। तोरण खींचने के लिए क्या है वितरण संतत होना चाहिए, अर्थात वर्ग अंतरालों को अपवर्जी होना चाहिए। अब बात है कि वर्ग अंतरालों को अपवर्जी ओवरलैपिंग होने का मतलब क्या होता है, या वितरण संतत होने का मतलब क्या होता है, कि अगर आपका 25 से 30 चालू हो रहा तो अगला क्या होगा 30 से आपका 35 चालू होगा, फिर अगला क्या होगा 35 से आपका 40 चालू होगा, ये जो है इधर 30 आया तो अगले में 30 आएगा, ठीक, इधर लास्ट वाला अगर उच्च 35 आया तो अगले में निम्न क्या होगा 35 होगा, तो इसको बोला जाता है अपवर्जी ओवरलैपिंग, ठीक है। तो ये होना चाहिए, कभी कभी ग्राफ ऐसा भी देता है कि आपका 5 से 9 है, अगला क्या है 10 से 14 है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको आपको बनाना पड़ेगा। तो बनाने के लिए आपके पास तरीका होता है कि 5 से 9.5 कर दो, 9.5 से क्या कर दो 14.5 कर दो, इस तरीके से आपको बढ़ा के क्या करना पड़ेगा बनाना पड़ेगा, वैसे सिचुएशन नहीं आएगा। तो संतत होने के लिए पहले का उच्च सीमा अगले का निम्न सीमा बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब एक अच्छे से एग्जाम्पल देख लेते हैं, इस एग्जाम्पल को आप पूरा समझ लिए, इसका मतलब क्या है
आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में मतलब संचयी बारंबारता उत्तोलन में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। आप केवल इसको अच्छे से समझ लो। ध्यान दीजिए, आपका क्या है, एक सारणी दिया हुआ, ठीक है। क्या दिया हुआ है, एक सारणी आपके पास दिया हुआ है, 20 से 30 इसका बारंबारता 7 है, 30 से 40 इसका बारंबारता 2 है, 40 से 50 इसका 5, 50 60 8, ठीक है, इस तरीके से आपका दिया हुआ। अब देखिए इसमें बात क्या करना है और क्या होगा। तो यहां से आपके पास 7 दिया हुआ है, इसका मतलब होता है कि 20 से 29 वाला, 20 हो सकता है, 21 हो सकता है, 22 हो सकता है, इस तरीके 29 तक हो सकता है, लेकिन 30 नहीं होगा इसमें, 30 को इसमें हम इंक्लूड नहीं करते। उसी तरीके यहाँ 30 से 40 होगा तो 39 तक होगा, 2 है बारंबारता, ठीक है, कोई भी आए, इस तरीके से आपके पास आ गया है ना। तो अब इसका आकार बता देना है, सब कुछ बताना है, ठीक है। तो आकार इसका क्या होगा, अगर 7 लिया गया है तो आकार में हम क्या ले रहे हैं, 30 से कम ले लेते हैं, पहले कम वाला, तो क्या होगा, 30 से कम, ठीक, ये कम वो ले रहे हैं, से कम में क्या आकार क्या कम वाला होगा, और इसका कर लेंगे तो उच्च सीमा से कम मतलब कितना, 40 से कम होगा, ठीक। उस तरीके से इसका क्या होगा, 50 से कम क्योंकि उच्च सीमा वाला होगा, ठीक। उस तरीके से इसका क्या होगा, 60 से कम हो जाएगा, होगा ना, ठीक है। इस तरीके से अगला भी अगर कर ले तो अगला हमारे पास क्या आएगा, अगला आ जाएगा 70 से कम, आएगा ना, चलिए इस तरीके से हमारे पास आया होगा। अब 30 से कम अगर हमसे पूछा गया तो 30 से कम आखिर कितना है, ये 30 से कम तो आपका ये 29 तक है ना, ये 29 तक लेंगे, 30 से कम तो हमारे पास केवल 7 ही है ना, 7। अगर आपसे पूछा पूछेगा 40 से कम कितना, तो 40 से कम बारंबारता पूछा जाए, 40 से कम में आपका ये वाला आएगा, 2 है ना, 30 से 39 तक, 40 से तो कम ही है, लेकिन आपका ये भी आएगा क्योंकि ये भी तो आपका 40 से कम वाला ही है, आपका 20 से 30 वाला क्या 40 से कम वाला ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका दोनों को ऐड करना पड़ेगा, कितना, 7 प्लस 2, ठीक है, 7 प्लस 2 करेंगे तो 9 आ जाएगा। अगर 50 से कम पूछा गया, ये 5 तो आपका आएगा है, लेकिन ये दोनों भी क्या है, ये दोनों भी तो 50 से कम है कि नहीं। आप ध्यान से देखो, 30 से 40, 20 से 30, आपका 50 से तो कम ही है ना, तो कम लेंगे तो इस बार क्या हो जाएगा, इस बार आपके पास हो जाएगा, पिछला वाला का जोड़ दो, मतलब आपका 50 से कम कितना गया, जोड़ेंगे तो 5 2 7 7 14, ठीक है, 14 आ गया ना, तो 14 आ गया, तो कैसे आया, 14 आया आपके पास, सबको जोड़ दो, 7 प्लस 2 प्लस कितना 5, ठीक है, आ गया 14। या दूसरा तरीका आपके पास क्या होगा, दूसरा तरीका निकालने का कि इस तरीके से पिछले का संचयी बारंबारता कितना है और अभी का बारंबारता जोड़ दो, मतलब 9 प्लस 5, तभी 14 रहा, क्योंकि ये क्या है, पिछला दोनों का जोड़ है ना। इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा 60 से कम, तो 60 से कम पूछा गया तो क्या करोगे, यहाँ जोड़ दो, 8 5 13, 13 2 13 2 15, 15 7 22, या ऐसे जोड़ दो, पिछले का संचयी बारंबारता और अभी वाला जोड़ दो, क्योंकि ये पिछले तीनों का सम है ना, जोड़ है ना, तो 14 8 क्या हो गया, 22 हो गया, तो 14 प्लस 8, ठीक। अगर 70 से कम पूछा गया तब क्या बताओगे, 70 से कम में आपके पास क्या आ जाएगा, अगर इसका लेना चाहते हो तो 22 और प्लस 3 कितना हो गया, 25 हो गया, कैसे आया, 22 प्लस 3, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि 60 से कम का डायरेक्ट 22, 70 से कम का 25, तो ये आपका संचयी बारंबारता निकल गया, पिछले वर्ग अंतरालों को जोड़ के से कम और से ज्यादा निकालेंगे। अब आकार यहां से क्या लेंगे, यहां से आप आकार क्या लोगे, आकार लोगे 20 या 20 से अधिक, 20 या 20 से अधिक लोगे, है ना, तो 20 या 20 से अधिक। और इसमें क्या, देखिए यहाँ पे 20 तो इंक्लूड होता है, 20 तो इंक्लूड होता है, लेकिन 30 इंक्लूड नहीं होता है ना, यहाँ 20 से 29 लेते हैं, तो यहाँ पे तो ले सकते हैं 20 या 20 से अधिक, इसमें अगर लेना होगा तो 30 या 30 से अधिक, 30 या 30 से अधिक,
हो जाएगा। अगला क्या होगा, 50 लेंगे या 50 से अधिक। ठीक, अगला क्या होगा, 60 या 60 से अधिक। ठीक है, और यहाँ पे 60 ले लिए, थोड़ा गलती हो गई, यहाँ पे 40 होगा। निम्न सीमा लेते हैं, ठीक है, से अधिक में क्या लेते हैं, निम्न सीमा वाला, ये 50 हो जाएगा। और अगला क्या होगा, 60 या 60 से अधिक। ठीक है, ठीक है ना। तो आप यहां से एक बात गौर कीजिएगा कि अगर से अधिक जब भी आए तो आप नीचे से चलना चालू करो, क्या करोगे, नीचे से चलना चालू करोगे तो आपको ज्यादा सहूलियत होगा। क्या होगा, ज्यादा सहूलियत होगा। तो नीचे से चलने से आपको फायदा क्या मिले, देखिए 60 या 60 से अधिक, 60 से लेके 69 तक कितना, 3, तो आप लिख दोगे यहाँ पे डायरेक्ट 3। ठीक, अगला पूछेगा 50 या 50 या 50 से अधिक, आपका 8 तो है ही, लेकिन इसके अलावा आपका 3 भी तो ज्यादा वाला है, क्या लिखोगे, 8 + 3 कर दोगे, क्या करोगे, 8 + 3। ठीक, अगला पूछा गया कि बताइए 40 या 40 से अधिक, तो तीनों को जोड़ दोगे, है ना, 40 या 40 से अधिक, आपका 5 तो आएगा ही, आपका ये भी तो अधिक है, ये भी तो अधिक है, तो आप जोड़ दोगे, तो कितना गया, 8 3 11 5 16, 8 + 3 + 5। ठीक है, तीनों को जोड़ दिए, या आप ऐसे लिखोगे कि अभी का कितना है, इसका बारंबारता 5 है, और पिछले का कितना है, पिछले का कितना, 11, तो 5 + 11 करोगे तब भी आपका आ जाएगा। ठीक है, बस फर्क आपका इतना है कि ये ऊपर से नीचे जाते थे, आप नीचे से ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो आपका आसानी मिलेगा। तो यहां से अगला क्या हो जाएगा, अगला बताइए 16 है और इसका कितना है, 2 है, तो कितना हो गया, 18 हो गया। फिर इसका अगला कितना हो जाएगा, इसका 7 18 और 7 25 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका निकल गया, मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो हमने संचयी बारहमासी निकाला, से कम और से अधिक में क्या हो गया, ध्यान देने वाली बात, से कम आपको निकालने के लिए कहेगा तो क्या करोगे, आप उच्च सीमा को लोगे और उच्च सीमा से कम लोगे, ठीक है, और ऊपर से नीचे जाओगे, ऊपर से नीचे जाने में आप लगातार ऊपर वाले बारंबारता को जोड़ते जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आपका से अधिक आया तो आपको क्या लेना है, निम्न सीमा वाला, निम्न सीमा मतलब नीचे से चलना, नी फोर निम्न और नी फोर नीचे, ठीक है, तो आपको निम्न सीमा से आपको नीचे से ऊपर की ओर जाना, ठीक है, तो नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे और वैसे ही जोड़ते जाएंगे जैसे आप जोड़ रहे थे। ठीक है, अब है कि ये मैंने बारंबारता तो बना दिया, अब इसका आलेख खींचना पड़ेगा। जब आलेख हम खींचते हैं तो उसी को क्या कह देते हैं, उसी को हम कह देते हैं कि आपका क्या हो गया, ये आपका तोरण हो गया, क्या हो गया, तोरण। तो इसका आप ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो ग्राफ आया, से कम तोरण, से कम तोरण में देखा जाए तो मैंने क्या बताया था कि से कम तोरण लेना है तो हमेशा संचाई बारंबारता को क्या लेंगे, आप वाई एक्सिस पे लोगे मतलब कोटि पे लोगे, और भुज पे क्या लोगे, भुज पे आप निम्न वाले में, सॉरी निम्न बोल रहे हैं, से कम वाले में उच्च सीमा को लेना। ठीक है, तो सबसे पहले से कम तोरण चलते हैं, से कम तोरण में आपके पास क्या आ जाएगा, उच्च सीमा, उच्च सीमा लेना। देखिए उच्च सीमा में कितना कितना था, 30 था, 40 था, 50 था, 60 था, इस तरीके से आपको लेना है ना। तो हम लेंगे 10 से चल करेंगे, 20 30 40 50 60 70, इस तरीके से आपको लेना है ना। और बारंबारता कितना, संचय 7 है 9 है 14 है 22, इस तरीके से ले लेना। तो पहला पॉइंट क्या बनेगा, एक्स एक्सिस वाला, तो आपके पास ये 30 आ जाएगा, तो पहला पॉइंट आपके पास 30 7, फिर 40 9, फिर 50 14, इस तरीके से आपका यहाँ दिया हुआ, ठीक है, 30 7 40 9 इस तरीके से बना हुआ। और आपको पता है पहला पॉइंट होता है एक्स एक्सिस वाला, दूसरा पॉइंट वाई एक्सिस वाला, तो आप 30 7 को दिखाना, तो 30 यहाँ से लेंगे, ठीक है, 30 क्या करेंगे, 30 आप यहाँ से लोगे, देखिए ये आपका 30 पॉइंट है, ये 30, ठीक है, 30, और कहाँ है 30, ये ऊपर से ऐसे लंबा मिला देंगे ग्राफ में, ठीक है, और फिर 7 आपका वाई एक्स, 7 कहाँ पे है, 5 ये हो गया, तो 7 आपका
यहां से आपका हो जाएगा 7, इसको मिला दो कहीं पे कट करेगा तो क्या हो गया, ये आपका 30 7 बन गया। उस तरीके से 40 9 बना सकते हो, 40 एक्स एक्सिस वाला, 9 आपका वाई एक्सिस वाला। उस तरीके से आप 50 भी बना सकते हो, ठीक है, 50 14 है तो 50 यहाँ से एक्स एक्सिस वाला और 14 आपका इधर वाला, ठीक है। इस तरीके से ग्राफ में मिला दोगे तो आपका 60 22, 60 22 भी यहाँ से बन गया और आपका 70 25 भी आपका यहाँ से बन गया। तो ये पॉइंट बनाने तो आता ही है, तो ये जो पॉइंट को हम मिला देंगे, ये पॉइंट को क्या हो गया, मिला दिया गया इस तरीके से जो भी है, ये पॉइंट को जब मिलाया गया सारे बिंदु को तो ये आपका क्या बन गया, लेस देन ओगिव, जिसको क्या बोलते हैं, से कम तोरण, क्या बोलते हैं, से कम तोरण, ठीक है ना। और अगर से अधिक तोरण बनाना है तो से अधिक में देखिए हमारे पास क्या लेना पड़ेगा, निम्न सीमा लेना पड़ेगा, 20 30 40 50 ये वाला, और इसको हम कहाँ रखेंगे, एक्स एक्सिस पे मतलब भुज पे, ठीक है, और वाई एक्सिस पे क्या होगा, इसका बारंबारता, संचयी बारंबारता, ठीक है। से अधिक संचयी बारंबारता कितना है, 20 के साथ 25, 30 के साथ 18, इस तरीके से आपका बढ़ा हुआ, 20 के साथ 25, 30 के साथ 18, इस तरीके से और भी आपका लिया हुआ है, ठीक है। अब इसका भी बना देंगे उस तरीके से, तो 20 और 25, 20 यहाँ पे तो आपका 25 क्या है यहाँ पे, ठीक है, तो ये पॉइंट आपको मिल गया 20 25। अगला 30 18, 30 यहाँ से तो आपका 18 कहाँ पे, 18 कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से 18 और यहाँ से 30 आपको मिल गया ये पॉइंट। फिर इसके बाद 40 16, आपका 40 16 भी मिल जाएगा, 50 11 भी मिल जाएगा और 60 3 भी मिल जाएगा, 60 यहाँ से तो 3 यहाँ से। तो आप ये देखोगे अगर से अधिक वाला में देखो ऊपर से आपका नीचे की ओर आते रहता है, ठीक है, तो नीचे की ओर आ गया, आया, तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया से अधिक, क्या होगा, से अधिक तोरण आपका बन के तैयार हो गया। तो से कम तोरण और से अधिक तोरण, इस तरीके से आपका आलेखीय प्रदर्शन हो गया, ठीक है, और ये ग्राफ बनाने के लिए आपका एग्जाम में आ सकता है। अब यहाँ जो है आपके पास क्या है, ये वक्र रेखा जैसा आ गया ना, अगर इसको हम सरल रेखा से मिला देंगे, कैसे मिला देंगे, सरल रेखा से ऐसे, इस तरीके से अगर मिला देंगे, ठीक है, तो सरल रेखा से अगर मिला देंगे तो इसको क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं बारंबारता बहुभुज, मतलब संचयी बारंबारता बहुभुज, ऐसे एग्जाम में नहीं आएगा तब भी आप जान लो, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, संचयी बारंबारता बहुभुज, जब सरल रेखा से मिलाया जाए, वक्र से नहीं, सरल रेखा से मिलाया जाए। और अगर यदि केवल तोरण खींचने के लिए कहा गया तो से कम तोरण आप खींचोगे, लेकिन आप देख लेना अगर एग्जाम में आपके पास समय होगा तो दोनों तरीके खींचो तो ज्यादा बढ़िया है ना, हो सकता है कि टीचर क्या, हो सकता है कि टीचर नंबर काट ले, ऐसा भी होता है कुछ टीचर के साथ, तो अगर आपसे कहा जाए तो आप पूरा का पूरा क्या करोगे, से कम और से अधिक दोनों तरीके से तोरण खींच देना, ठीक है, अगर समय रहे तो, नहीं तो ऐसे कहा जाता है कि तोरण खींचने के लिए कहा गया तो से कम तोरण का ही उपयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। चलिए तो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ आपका कर्मचारी का मासिक वेतन दिया हुआ है, ठीक है, कर्मचारी का आपका मासिक वेतन दिया हुआ है, तो यहाँ से पहले क्या देख ले, बारंबारता देख ले, बारंबारता कितना कितना दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से देखा जाए 0 से 200 का आपका बारंबारता 4, ठीक है, मासिक वेतन कमाने वाले कर्मचारियों की संख्या कितना, 4 है, 0 से 200, मतलब 0 से 199 होता ही है, 200 से क्या होगा, 200 से 399 कितना है, ये 10 है, ये 15 है और ये 7 है, ये 5 है और ये 3 है और ये 2, ठीक है, इतना तो टोटल कर्मचारी कितना हो गया, अगर सबको जोड़ दे 10 4 14 14 15 29 7 36 5 36 और 10 46 हो गया, कुल कर्मचारी कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा, कुल आपका 46 कर्मचारी आपका हो गया, ठीक है, कितना हो गया, 46 कर्मचारी आपका कुल हो गया, ठीक है। अब संचयी बारंबारता निकालना होगा, ठीक है, तो इससे आपका कहा क्या गया, पहले ये देख ले, किसी का इनके तोरण नीचे इनके तोरण खींचे, तो तोरण खींचे कहने वाले क्या, से कम का मतलब होता है, क्या होता है, से कम का ही मतलब ज्यादा होगा, तो अगर संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं किसके लिए, से कम के लिए, किसके लिए, से कम के लिए, तो आपका क्या देखते हैं हम लोग, उच्च सीमा देखते हैं, मतलब 0 से मतलब 200 क्या हो जाएगा, यहाँ उच्च सीमा मतलब आपका 200 से कम कर्मचारी कितना है कमाने वाला, क्या हो जाएगा आपके पास, 200 से कम वाला, 200 से कम वाला आपके पास हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना होगा, 4 हो जाएगा, ठीक, आपसे पूछा गया कि 400 से कम कमाने वाला कितना हो जाएगा,
इसका संचयी बारंबारता और इसका वाला अगले का बारंबारता जोड़ दो, कितना हो गया 14 हो गया। फिर 600 से कम 14, 15, 29। फिर 800 से कम 29 और 7 36। फिर 1000 से कम 36, 5 41। फिर 1200 से कम 41 और 3 44। फिर आपके पास 1400 से कम 44 और 2 46। तो लास्ट में देखिए आपका जितना ये बारंबारता होगा ना, ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जितना आपका टोटल कुल बारंबारता का योग होगा वो आपका संचयी बारंबारता में से कम में सबसे लास्ट में आपका आ जाएगा। ये दोनों मैच करना चाहिए, मैच नहीं का इसका मतलब कि आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या बारंबारता कहाँ लेते हैं, ये संचयी बारंबारता जो आया इसको हम कहाँ लेते हैं, इसको हम वाई एक्सिस पे लेते हैं, और ये जो आपके पास आपका दिख रहा उच्च सीमा से कम त्वरण इसको कहाँ लेते हैं, एक्स एक्सिस पे लेते हैं। और इसको क्या करना है, ग्राफ हमें बनाना, ठीक है, क्या करना, ग्राफ बनाना। तो आपके पास कितना आ गया, 204, 414, इस तरीके से पॉइंट बन के आएगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और इसको हम अब बनाने चलते हैं, है ना। तो बनाएंगे तो हमारे पास आएगा, ठीक है, तो सेकम तोरण ही है ना। तो यहाँ सबसे पहला पॉइंट है 204, तो 204 कहाँ पे है, 204 आपके पास लगभग क्या आएगा, आपके पास यहाँ पे ये चार है तो ये लगभग क्या होगा, ये 10 है तो ये 5 होगा, तो लगभग आपका यहाँ पर आ जाएगा, ये बिंदु क्या हो गया, 204 हो गया, क्या हो गया, 204, ठीक। अगला बिंदु 414, 400 इधर है, 14 लगभग कहाँ होगा, यहाँ पर आ जाएगा, ये क्या आपका 400 और 14, ठीक। अगला पॉइंट 629, 600 यहाँ पे है और 29 लगभग क्या हो जाए, कहाँ हो जाएगा, 29 आपका लगभग यहाँ पे हो जाएगा, 600 और 29, ठीक। अगला पॉइंट 800 क्या है, 836, 800 और 36, 800 यहाँ पे और 36 लगभग क्या हो जाएगा, यहाँ पे लगभग आएगा 800 और 36। अगला है 1041, 1000 है और 41 लगभग यहाँ पर आ जाएगा, लगभग आपका 1041 यहाँ पर आ जाएगा, 1041 ये, ठीक। अगला पॉइंट है 1244, कितना, 1244, ठीक, कहाँ जाएगा, 1244 कुछ इधर, 1200 और 44, ठीक। इसके बाद क्या आ जाएगा, 1446, 1400 इधर और 46 आपका लगभग इधर आ जाएगा, 1446, ठीक है। इसका ग्राफ देखिए लगभग कैसा बन रहा, ग्राफ आपका किस तरीके का बन रहा है, तो यहां से पॉइंट को मिला दिया जाए, ये आपका अगर इधर रहे तो इसको डॉट डॉट करके ऐसे बनाते, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इधर मिलेगा, फिर आपका इधर मिलेगा, फिर आपका इधर मिलेगा, फिर आपका इधर मिलेगा, फिर आपका इधर मिलेगा, फिर इधर, ठीक है। इस तरीके से आपका क्या हो गया, बन गया, ठीक है। तब इसी तरीके का फिगर क्या है, ये आलेख बन गया, ये क्या बन गया, सेकम तोरण का। अगर आप ज्यादा बनाना चाहे तो ज्यादा भी बना सकते हो, है ना। अगर इसी में अगर ज्यादा वाला लिखना होता संचयी बारंबारता, क्या करना होता, से अधिक वाला, तो क्या करते से अधिक में नीचे से हम लोग लेते हैं, तो नीचे से आपका क्या होगा, 1200, ये मतलब 1200 से ज्यादा क्या हो जाएगा, 12 इसी में लिख देते हैं, 1200 से अधिक तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1000 से अधिक कितना हो जाएगा, 2 3 5 हो जाएगा, ठीक। फिर 800 से अधिक, 5 और 5 क्या, 10 हो जाएगा, फिर आपका 600 से अधिक, 10 और 7 17 हो जाएगा, फिर 400 से अधिक, 17 और 15 32 हो जाएगा, फिर 200 से अधिक, 32 और 10 42 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 0 से अधिक, ठीक है, 0 या 0 से अधिक क्या हो जाएगा आपका, कितना हो गया, 42 और 46 हो गया। तो से कम में क्या लेते हैं, 200 से कम, लेकिन जब अधिक लेते हैं
तो 200 या 200 से अधिक लेते, दोनों लेना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। अगला एक क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जाम्पल। निम्नलिखित सारणी से तोरण बनाए, क्या करना है इसे तोरण बनाना है। तो इसमें क्या कहा गया है कि आपके पास क्वेश्चन ये दिया गया है, छात्रों की संख्या 20 से नीचे इतना है, तो 20 से नीचे लिखने का मतलब क्या होता है, 0 से 20, ठीक है। संचाई बारंबार लिखना होगा, 0 से 20 क्या है आपका 4 है, 40 से नीचे मतलब 20 से 40 वाला होगा कितना है 10 है, ठीक है। 60 से नीचे कितना होगा 15, 80 से नीचे कितना 18, 100 से नीचे कितना 20। यहाँ पर ध्यान देने बात यह है कि आपका 4, 10, 15 ये जो बारंबारता दिया हुआ है, ये पहले से आपका संचयी बारंबारता दिया हुआ, कौन सा से कम संचयी बारंबारता दिया हुआ, यही ध्यान देने बात है मेनली, और कोई क्वेश्चन में जान नहीं है, ठीक है। 20 से नीचे मतलब 0 से 20 वाला 4, 40 से नीचे मतलब 0 से 20 वाला तो होगा ही, उसके साथ साथ आपका 20 से 40 वाला भी होगा, ठीक है। इस तरीके से आपका बन गया, ये आपका संचयी बारंबारता होगा। फिर क्या करना है, इसका आलेख आपको ड्रा करना है, तो आलेख ड्रा करने में ड्रा कर ही सकते हो, है ना। फिर से उसी तरीके का सवाल है, अब दिखा दो 20 4 है, तो 20 4 लगभग क्या आएगा, इधर आएगा, ये हो गया 20 4। फिर इसके बाद क्या होगा, 40 10, 40 और ये 10 हो गया, 40 10 हो गया। अगला क्या हो जाएगा, 60 15, तो ये आपका 60 15 हो गया, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा, 80 और 18, तो लगभग यहाँ पर आएगा 80 और 18 हो जाएगा। फिर इसके बाद 120, तो 120 लगभग क्या होगा आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्या, इसको मिला दो और इस तरीके से इसको डॉट डॉट करके 0 से दिखाओ, फिर इसको मिला दो, तो आपका क्या बन गया, से कम तोरण आपका बन के तैयार हो गया, ठीक है। अगला, निम्न सारणी से कम और से अधिक दोनों बनाना, क्या करना है, से कम और से अधिक आपका दोनों बनाना, ठीक है ना। तो से कम और से अधिक अगर इसी में आपके पास जो दिया हुआ है इसी साथ देखा जाए, और से कम उससे अधिक अगर इसी में बना दे, ठीक है, से कम संचयी बारंबारता और से अधिक संचयी बारंबारता, ठीक है। तो अगर इसमें आपका बनाया जाए, अगर से कम में आपके पास क्या होता है, आपसे कहा जाए से कम मतलब उच्च सीमा से कम, 10 से कम कितना 5, 20 से कम कितना, 20 से कम कितना आपका 3 तो होगा, प्लस में ये भी ऐड हो जाए तो कितना होगा 5 3 8 हो गया, ठीक। अब 30 से कम तो क्या हो गया, 8 और 4 कितना हो गया 12 हो गया, ठीक। फिर 40 से कम 12 3 15 हो गया, 50 से कम, 50 से कम 15 3 18 हो गया, ठीक। और 60 से कम 18 4 22 हो गया, फिर 70 से कम 22 7 29 हो गया, फिर 80 से कम 29 9 38 हो गया, 90 से कम 38 7 45 हो गया, फिर 100 से कम 45 8 क्या हो गया 53 हो गया, तो कुल आपका 53 बराबर आ रहा। और से अधिक आपसे कहा जाए तो उल्टा चलोगे, नीचे से निम्न सीमा से, निम्न सीमा से नीचे से ऊपर, तो 90 या इसमें क्या कहा जाता है, 90 या उसमें क्या था, केवल 10 से कम 20 से कम, ये 90 या 90 से अधिक कितना 8, फिर 80 80 से अधिक क्या हो जाएगा 8 7 15, ठीक। फिर 70 70 से अधिक 15 9 15 9 24, फिर 60 या 60 से अधिक 24 7 33 सॉरी 31, फिर 50 या 50 से अधिक 31 4 35, 40 या 40 से अधिक 35 3 38, 30 या 30 से अधिक 38 3 41, 20 या 20 से अधिक 41 4 45, 10 या 10 से अधिक 45 3 48, ठीक। 0 या 0 से अधिक कितना हो जाएगा 48 और 5 53 बराबर है, इसका मतलब सही है। अब इसे क्या करना, ग्राफ बना देना, है ना, जैसा पिछले एग्जांपल मैंने एक बताया था दोनों करके। आपको क्या लेना, अगर से कम लेना है, से कम में आपका क्या होगा, एक्स एक्सिस पे क्या आएगा आपका, ये 10 आएगा 20 आएगा ये सब आ जाएगा, और 5 क्या वाई एक्सिस पे, मतलब पहला पॉइंट क्या बनेगा, पहला पॉइंट 10 5 बन जाएगा, दूसरा पॉइंट क्या बन जाएगा 20 8 बन जाएगा, फिर 30 12 इस तरीके से आपका बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी में आपका कहता अधिक वाला, से अधिक वाला बनाना है, तो आपका 0 क्या लेना है, जो ये आपका जो आ रहा निम्न सीमा, इसको आप क्या लोगे एक्स एक्सिस पे, और इसको जो बारंबारता है इसको क्या लोगे वाई एक्सिस पे, तो पहला पॉइंट क्या बन जाएगा 0 53 बन जाएगा, फिर क्या बनेगा
10 3 बन जाएगा, फिर अगला क्या बनेगा 20 4 बन जाएगा, इस तरीके से आपका सारा बनेगा, फिर आलेख खींच देना, ठीक है। इस तरीके से आपका बनाया हुआ है, ठीक है, वही चीज आपका है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है ना, वही चीज आपका बनाया हुआ यहाँ पे, और इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये माइनस करने वाला है, क्योंकि आप एक तरीका और होता है, जैसे ये देख लो से अधिक वाला, से अधिक में क्या, अगर आप ऊपर से ही शुरुआत करना चाहते हो, सबसे पहले देख लो बारंबारता का कुल संख्या कितना, टोटल कितना 53 है, ठीक है। आप 53 से चालू करोगे, 53 में से आप क्या करोगे, 53 में से 5 चला गया तो अगला हुआ, 48 में से 3 चला गया तो क्या हो गया 45 हो गया। तो आप एक ही विधि याद रखो, नहीं तो एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। मैंने सही बताया कि आप नीचे से चालू करो तो आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, खाली ऐड करते जाना, सब्ट्रैक्ट वाले याद मत करो, ठीक है। अब उसी का ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ आपको मिलाने आता है ये, ठीक है, ग्राफ आपको मिलाने आता है, तो सेक अंतुरन का इस तरीके से 10 5 ये सब क्या होगा पॉइंट बन जाएगा, 10 5 फिर 20 8 30 12 इस तरीके से आपका पॉइंट बन जाएगा। तो सेक अंतुरन का ग्राफ सब पॉइंट मिला के बना ही सकते हो, बना सकते हो ना, ठीक है। तो इस तरीके से आपका से कम का हो गया, और से अधिक का बनाओगे तो से अधिक का भी क्या होगा उसी तरीके से आपका पॉइंट बनाओगे, पॉइंट बना के आ जाएगा क्या होगा 0 53 10 3 20 4 इस तरीके से देख के आप क्या करोगे 0 53 10 48 0 53 ये 10 48 है, ये गलती से लिखा गया ना 10 48 और ये 20 45, ठीक है। इस तरीके से आपका पॉइंट बनेगा, और पॉइंट बन के क्या होगा से अधिक वाला भी आपका तोरण बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप पॉइंट बना लो, सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। अब यही जो पिछला दोनों ग्राफ था, ये दोनों से अधिक से कम बना पिछला क्वेश्चन का, तो इसको अगर दोनों को मिला दिया जाए, तो दोनों को मिलाने पे देखिए आपका एक बिंदु क्या कर रहा, कट कर रहा, तो इसका क्या लेना, जहां पर कट कर रहा उसका क्या लेना, आपका भूज लेना, भूज कितना लगभग 66.4 है, कितना लगभग 66.4 है, और ये दोनों वक्रों का क्या होता है माध्यक कहलाता है, क्या कहलाता है माध्यक, हम लोग आगे पढ़ेंगे माध्यक क्या होता है। दोनों वक्रों का छेदन बिंदु क्या होगा, जो भूज होगा वही आपका क्या कहलाएगा माध्यक, इधर नहीं लेना कोटि नहीं भूज लेना, ये आपका क्या हो गया माध्यक हो गया, ठीक है, और इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। अगला उदाहरण हमारे पास है निम्न वितरण 50 कर्मी दैनिक आय देता, ठीक है, दैनिक आय दिया हुआ है। तो यहां से आप देखिए दिन में आमदनी आपका 100 से 120 रुपया कितना है, आपका 12 आदमी का, फिर 120 14 ठीक 14, ये आपका सिंपल बारंबारता दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको पहले क्या करना से कम में बनाना, तो क्या करेंगे, ये उच्च सीमा आपका है तो उच्च सीमा ले लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 120 से कम, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा 140 से कम, ठीक, फिर क्या हो जाएगा 160 से कम, फिर क्या हो जाएगा 180 से कम, हम तो वही लेते हैं ना उच्च सीमा से कम, ठीक है, 200 से कम, ठीक है, ये हमने ले लिया। अब हमें यहाँ देखना पहले वाले को तो 12 होगा, ठीक है। अब यहां से देखिए ये 99 वाला नहीं लिया गया, ठीक है, 99 तक का नहीं, 100 से चालू हुआ, तो उसमें ग्राफ में आपको अलग से बताना पड़ेगा कि हाँ यहाँ तक नहीं लिया गया, ग्राफ उसका अलग से होगा। 12 और ये कितना हो जाएगा 12 और 14 कितना हो जाएगा 26, 26 और 8 कितना हो जाएगा 34, ठीक, 34 और कितना हो गया 40, 40 और 10 50, तो टोटल आपको बारंबारता जो 50 आपका आएगा। अब इनको दिखाना, क्या करना है, इनको अलग से दिखाना, तो दिखाने में हम दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या संचयी बारंबारता का टेबल आ गया, अब इसको दिखाना, तो देखिए यहां से आप ध्यान दीजिए कि 120 से कम क्या है, 120 से कम, ये कम है सारा, से कम से कम से कम से कम, ठीक है। तो यहां से आपका जो दिया हुआ 120 से कम, तो ये आपका पहले से बता दिया है कि 0 से 99 तक नहीं लेना, तो देखिए यहाँ 0 से 99 तक आपका नहीं लिया गया, ठीक है। फिर क्या है 120 से कम लिया गया, तो आप ये ले सकते हो। पहले देखिए हम क्या डॉट डॉट करके दिखाते थे, अब डॉट करके हम ग्राफ नहीं दिखाएंगे। पहला पॉइंट क्या है 120 और 12, 120 और 12 कहीं पे ले लेंगे, यानी 120 12 लगभग यहाँ पर आ जाएगा, है ना, 120 और 12, ठीक है। अगला पॉइंट क्या आएगा 140 26, 140 और 26 लगभग यहाँ पर आ जाएगा। फिर अगला क्या आएगा 160 34 लगभग क्या होगा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक,
फिर क्या 180 और 40, 180 और 40 लगभग यहाँ पाएगा। फिर अगला जो है 250 लगभग क्या होगा, यहाँ पा जाएगा 250। ठीक है, इनको हम मिला देंगे तो ये दिखाने का मतलब ये होता है कि इतना दूर नहीं लेना। ये जो है आपका पॉइंट समझ लीजिए कितना है 100, तो इनके बीच में नहीं लेना। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ में आपको बनाना पड़ेगा, कभी ऐसा केस रहे, क्योंकि ये जीरो से नहीं दिया, 100 से 120 दिया, तो 0 से 99 कहाँ गया। उसको दिखाने के लिए आप इस तरीके से दिखा दोगे। पहले हम क्या डॉट डॉट करके ऐसे दिखाते थे ना, लेकिन इस बार डॉट डॉट करके नहीं दिखाना, ये आपका नहीं दिखाना। तो ये आपका ग्राफ बन गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास है, उसी तरीके से आपका ये भी बन जाएगा, है ना, 50 से 55। फिर से आप ग्राफ में क्या दिखाओगे, फिर से आपको ग्राफ में यही दिखाना पड़ेगा 50 से 55, मतलब ये जो है आपको दिखाना पड़ेगा कि नीचे वाला आपका नहीं है, बाकी तो आपका बन ही जाएगा, बन जाएगा ना। ठीक है, बना लेना। ये आपका से अधिक आ गया, तो से अधिक आने का मतलब क्या है, से अधिक से क्या हो जाएगा, 50 या 50 से अधिक, 50 या 50 से अधिक क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर क्या 55 या 55 से अधिक, 60 या 60 से अधिक, 65 या 65 से अधिक, 70 या 70 से अधिक, 75 या 75 से अधिक। ठीक है, तो ये आपका 100 आ गया। 100 के बाद क्या, अरे ये 100 आ गया, हाँ यहाँ से चालू करेंगे ना, कहाँ से चालू करेंगे, यहाँ से चालू करेंगे नीचे से, तो नीचे से कितना आपका है 16, 16 और 38 क्या हो जाएगा, 16 और 38 54 हो जाएगा। ठीक, 54 और 24 कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। 78 और 12 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 90 8 98, 98 और 2 कितना, 100। नीचे चलो, आसानी होगा। ठीक है, हम इनको क्या करना, पॉइंट में दिखा देना, फिर से दिखा देंगे, है ना। कितना 50 और 100, 50 और 100 कितना आएगा, ऊपर आएगा 50 100। ठीक है, फिर कितना आ जाएगा आपका 55 98, लगभग यहीं पर आ जाएगा 55 98। फिर आपका कितना है 60 और 90, लगभग आपका यही पा जाएगा 60 और 90। थोड़ा सा इधर हो गया, कोई बात नहीं, 60 और 90 थोड़ा समझ लीजिए अपना। फिर क्या है, फिर आपके पास 65 और 78 है, 65 और 78 है। फिर कितना है 70 और 54 है, 70 और 54 है। अब यहाँ पे आ रहा थोड़ा सा पॉइंट, ठीक है, 70 54 है। फिर क्या है 75 और 16, 75 और 16 सीधे आपका क्या हो गया, नीचे आ गया 75 और 16, लगभग आपका यहाँ पे 75 और 16। ठीक है, 54 के बाद सीधे आपका जब मारा नीचे, तो इसको आप मिला दीजिए, मिलाने में क्या होगा आपका जो बन गया वो बन गया, आपको नीचे तक नहीं मिलाना। ठीक है, क्योंकि ये आपका क्या जीरो से नहीं चालू किया था। तो इस तरीके से आपका एग्जाम्पल बना दिए, आपका एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं होगा, सारा क्वेश्चन इसी तरीके का। ठीक है,